अभी तक हमने जाना पावर के बारे में। पावर जो होती है, अभी तक हमने नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना पावर के बारे में। व्हाट इज पावर? पावर जो होती है वर्क डन पर यूनिट ऑफ टाइम होती है। पावर को डिफाइन करती है एज वर्क डन पर यूनिट ऑफ टाइम। पावर की ऐसा ही होती है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट और सिंपली डब्ल्यू। लेकिन जो वॉट होती है वो बहुत ही छोटी यूनिट होती है। कमर्शियली हम वॉट का इतना यूज नहीं करते। इन प्लेस ऑफ वॉट हम और हायर यूनिट का यूज करते हैं फॉर कमर्शियल पर्पसेस। दैट इज हॉर्स पावर, वन हॉर्स पावर। वन हॉर्स पावर जो होती है 146 वॉट के बराबर होती है। इवन बिगर यूनिट हम लें, इससे ही बड़ी यूनिट लेना चाहें, 1 किलो वॉट पर आवर जो होती है उसमें ले सकती हैं। इसकी वैल्यू 3.6 × 10⁶ वॉट के बराबर होती है। ये हमारी कुछ यूनिट होती हैं जिन्हें हम यूज करते हैं फॉर मेजरिंग द पावर वी यूज। जैसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी पावर मेजर करना चाहें तो कितने किलो वॉट पर आवर हम यूज कर रहे हैं। 1 किलो वॉट पर आवर को बोलते हैं एक यूनिट। कितनी यूनिट यूज की, जैसे कि जैसे हमने 200 यूनिट यूज कर ली, 300 यूनिट यूज कर ली, उसके बेसिस पर हमारा घर में बिजली का बिल आता है, चार्ज आता है। एक यूनिट पर 5 रुपये हैं, 200 यूनिट खर्च करने पर कितने पैसे लगे, ये सारी बातें हमें देखनी पड़ती हैं जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट थिंग जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एज पर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी लिखते हैं कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब एक एनर्जी की फॉर्म को दूसरी एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करना ही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कहा जाता है। मतलब कि जब एक एनर्जी की जो फॉर्म है उसे हम दूसरी एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एक एनर्जी की फॉर्म है उसे दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इसमें इट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। It is called transformation of energy. कैसे? हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि रिजर्वर था, क्या था? रिजर्वर था। इसके अंदर जो है क्या है? दैट रिजर्वर फुल ऑफ वाटर। इसके रिजर्वर के अंदर क्या है? वाटर है। दैट रिजर्वर कंटेन वाटर इन इट। नाउ यहां पर हमने क्या लिया? टरबाइन लिया। पीटे का
और टरबाइन से होते हुए हमारे दो बैच जाती हैं, इसके लिए एक मोटर के लिए, इसके लिए मोटर नहीं जनरेटर, इसके लिए एक जनरेटर के लिए दो बैच जाती हैं और उन दो उससे उस जनरेटर से दो वायर और जाती हैं इलेक्ट्रिक पोल्स के लिए, जिसके लिए इलेक्ट्रिक पोल्स के लिए इस तरीके से। तो हम यहां देखती हैं जो ये वाटर था एक कैसी कंडीशन में था, स्टेशनरी कंडीशन में था, और इसमें कौन सी एनर्जी थी, दैट कंटेन्स द पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हैविंग टू प्रेजेंट विद इन इट। अब जो पोटेंशियल एनर्जी थी जब इस टर्बाइन पे पड़ा, तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और जब ये काइनेटिक एनर्जी यहां पर पड़ी, रोटेट कराया, इसने यहां पर मैकेनिकल एनर्जी पैदा की, ये रोटेशनल एनर्जी कह सकते हो, इसे रोटेट कराया, कह रहा है रोटेशनल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी पैदा हुई। हम इसमें रोटेशनल एनर्जी लेते हैं, रोटेशनल एनर्जी, और ये रोटेशनल एनर्जी जो है जनरेटर की मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब इस इलेक्ट्रिक एनर्जी का हम अलग यूज कर सकते हैं, अलग पॉइंट पर यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का अलग पॉइंट पर यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हमने फैन में यूज किया, अगर हमने बल्ब में यूज किया, बल्ब, अगर हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज, बाइक जो होती है, बाइक जो होती है आजकल स्कूटी जो होती है उसमें यूज कर लेती हैं, और क्या कह सकते हैं, फैन, बल्ब, हीटर, हीटर, हीटर में यूज कर लिया, और ऑक्स में यूज किया सकता है, चार्जिंग बैटरी या मोबाइल चार्जिंग, मोबाइल चार्जिंग, इन सब अलग चीजों में हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। तो सबसे पहले हम देखते हैं फैन के अंदर, देखते हैं फैन के अंदर क्या हो रहा है, फैन के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है कैसी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। बल्ब में क्या हो रहा है, बल्ब में सबसे पहले बल्ब जो था उसमें ही हीट एनर्जी कन्वर्ट, कैसे में हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी के बाद किसमें कन्वर्ट हो गई, लाइट एनर्जी में, पहले हीट एनर्जी उसके बाद हीट एनर्जी टू लाइट एनर्जी, ठीक है। बाइक के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या किया, काइनेटिक एनर्जी इसमें कन्वर्ट हुई, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई। इसे हीटर में क्या हुआ, हीटर में हीट एनर्जी का फॉर्म, इसमें हीट एनर्जी फॉर्म में हीट
एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो मोबाइल के अंदर ये कन्वर्ट हो गई केमिकल एनर्जी के अंदर, किसी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो हमने देखा वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में हम कन्वर्ट कर रही है, तो इसी फॉर्म को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एक एनर्जी फॉर्म को दूसरी एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना ही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है। कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज सेड टू बी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट थिंग इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मीन According to law of conservation of energy, energy can neither be created nor be destroyed. It remains constant. जो energy होती है उसे ना create किया सकता है और ना ही destroy किया सकता है। जो energy होती है वो हमेशा constant रहती है। Energy can neither be created nor be destroyed. It remains constant. क्या कह सकते हैं? एनर्जी प्रेजेंट विद इन द बॉडी कैन नेदर बी क्रिएटेड क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी होती है किसी सिस्टम के अंदर उसे ना तो क्रिएट किया सकता है और ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया सकता है, केवल उसकी फॉर्म को चेंज किया सकता है। ओनली द फॉर्म ऑफ दैट एनर्जी इज गोइंग टू बी चेंज, ओनली एनर्जी कैन ट्रांसफॉर्म into one form to another form। तो एनर्जी है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकती है, ट्रांसफॉर्म किया जा सकती है, लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है, टोटल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता। एक एग्जाम्पल समझते हैं जरा, लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे कि बॉल थी, क्या थी? बॉल एक हाइट पर थी, फन और यहां सरफेस पर आ गई बॉल। अब देखो यहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी लेती हैं, यहां लेती हैं काइनेटिक एनर्जी और यहां लेती हैं पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दैट इज टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों लेते हैं। यहां देखते हैं, यहां पे हम देखते हैं इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी 20, काइनेटिक एनर्जी थी 0। तो 30 ले लेते, 30 इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी 30, पोटेंशियल एनर्जी 30, काइनेटिक एनर्जी 0 एट अ मैक्सिमम हाइट।
अब इसे और नीचे लेके गए, इसमें काइनेटिक एनर्जी यहां पर हो गई 25 और पोटेंशियल एनर्जी हो गई, काइनेटिक एनर्जी 25 हो गई और पोटेंशियल एनर्जी पे 25 हो गई। इसे और नीचे लेकर क्या है, यहां काइनेटिक एनर्जी की हुई 20 और यहां हो गई 10। इसे और नीचे लेके गए तो यहां काइनेटिक एनर्जी 15 और यहां काइनेटिक एनर्जी यहां पे 15 हो गई, यहां लेकर क्या है 10 और यहां 20 हो गई, यहां लेकर दो 5 और यहां 25। और जब ये बिल्कुल सरफेस को टच करेगी, किसको टच करेगी, सरफेस को, तो ऐसी कंडीशन जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो 0 हो गई और काइनेटिक एनर्जी 30 हो गई। अगर हम इनका सम देखें, इन ऑल दिस केस 30 प्लस 0 कितना होता है, टोटल एनर्जी कितनी हुई 30, टोटल एनर्जी 30 आई। यहां नंबर पुट कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहां काटेंगे 30, यहां हमने देखा 25 और 5 30, टोटल एनर्जी 30 आई, यहां 30 20 और 10 पोटेंशियल एनर्जी 30 रही, 15 और 15 दोनों पोटेंशियल एनर्जी 30 रही, 30 जूल यूनिट लगाते हैं, जूल 13 जूल 13 जूल, और यहां पे 10 और 20 ये भी 30 जूल क्या हो रहा, यहां पे 25 30 जूल रहा, 0 एंड 30 30 जूल के अलावा रहा। हर केस में टोटल एनर्जी अब कैसी रही है, कंजर्व रही है। तो इसे देख करके हम क्या कह सकते हैं, टोटल एनर्जी ऑलवेज में कॉन्स्टेंट हो सकता है, वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई हो, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई है। एक किसी भी इंस्टेंट पर अगर हम दोनों एनर्जी का सम करेंगे, दोनों एनर्जी का सम करने पर हमें वो दोनों एनर्जी बराबर ही मिलेंगी, एट एनी इंस्टेंट हमें दोनों का सम इक्वल ही मिलेगा। इसी तरीके से पेंडुलम केस में, पेंडुलम केस को हम देखते हैं, ये हमारा पेंडुलम है, ये इसकी मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन, और ये जो पोजीशन है इसकी, इट इज दी एक्सट्रीम पोजीशन, इट इज द एक्सट्रीम पोजीशन। अब देखते हैं जो एक पेंडुलम था, यहां हमने इसे यहां से लीव किया, यहां पे इस पर जो पोटेंशियल एनर्जी थी, इस पर क्या थी, ओनली पोटेंशियल एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी कैसी थी, मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी कैसी थी, काइनेटिक एनर्जी थी 0। फिर ये यहां से यूं आया, इस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर इसकी टोटल एनर्जी थी वो पीई प्लस के ई बराबर, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर थी। लेकिन यहां पर जो टोटल एनर्जी थी, टोटल एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर थी, क्योंकि यहां पर मीन पोजीशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो 0 के बराबर थी, एट मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी बिकम इक्वल टू 0, तो टोटल एनर्जी बिकम इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। यहां पर पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी, तो टोटल एनर्जी जो थी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर थी। अब फिर से पेंडुलम यहां से यहां गया, जब यहां से यहां गया तो ऐसी कंडीशन टोटल एनर्जी मिलेगी, में टोटल एनर्जी वो मिलेगी पीई प्लस एई के बराबर, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर मिलेगी। यहां पे हैंग हो रखा है,
और यहाँ टोटल एनर्जी थी क्या थी, टोटल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो गई, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो थी वो जीरो के बराबर थी। काइनेटिक एनर्जी कैसी थी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। इसी तरीके से जब किसने रिपीटिंग किया, व्हेन इट रिपीटेड, जब वो रिपीट हुई तो वही सिस्टम हुआ, टोटल एनर्जी जो थी के प्लस पी के बराबर, मीन पोजीशन पे जितनी एनर्जी थी वो जीरो के बराबर हो गई। और फिर से सिर्फ करके आए हम, तो ये यहाँ पर मीन पोजीशन पे क्या टोटल एनर्जी जो थी वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर थी यहाँ, और जब यहाँ पर आए तो काइनेटिक एनर्जी पर पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, और यहाँ पर वही सब सिस्टम दोबारा से लॉक किया है। तो इस तरीके से हम पॉइंट के नाम भी देते हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट सी, एबीसी पॉइंट, और ये पॉइंट पी ऑफ द पेंडुलम। इस तरीके से हम टोटल काइनेटिक एनर्जी और टोटल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। नोट डाउन।